नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ बोरासी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट। मैं हूं भोपाल मध्य प्रदेश से। काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के सवालों के आंसर के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इतना लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि इस समय सर्दी का समय है, तो मुझे जल्द से जल्द हार्वेस्टिंग करके जो बड़े फिश हैं उन सबको निकाल के सेल आउट करना है, ताकि जो छोटा छोटा जीरा बचे, जीरा तो नहीं थोड़ा बड़ा ही बोलेंगे, वो सर्दी में सरवाइव कर जाए। तो चलिए आज के सवाल जवाब एपिसोड को चालू करते हैं। मैंने कुछ सवालों के एक लिस्ट बना ली है, जो कुछ नए सवाल थे, बाकी बहुत सारे पुराने सवाल थे जिनका मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। तो जो भी मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, अपने उन सवाल के जवाब के लिए जो उन्होंने करे हैं, जिन्हें मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ, तो कृपया उनको मेरे वीडियो में, पुराने वीडियो में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनके सवाल पुराने वीडियो में हैं पहले से, तो उनको मैंने शामिल नहीं किया। जो नए सवाल हैं केवल उन्हें ही शामिल किया है। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे जो पुराने वीडियो हैं उनमें जो सवाल के जवाब दे चुका हूँ या वीडियो में दिखा चुका हूँ मैं, वही चीज़ रिपीट होती रहती है, वही सवाल वापस रिपीट होता है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप पुराने वीडियो देख लें तो आपके सवाल के आंसर मिल जाएंगे, और जिसमें भी नहीं दिख पाए, नहीं मिल पाए, तब आप बिल्कुल अपना नंबर, अपने सवाल, अपना नंबर, अपना एरिया, किस एरिया से हैं आप, कौन सी सिटी से हैं, स्टेट से हैं, और अपना मोबाइल नंबर लिखिए, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल कर चुका है, बहुत सारे लोगों से बातें भी कर चुका है मैंने, उसी तरीके से मैं आपसे भी बातें करके आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपकी जो भी मदद होगी मुझसे, मैं आपको बिल्कुल मदद करूंगा। बहुत सारे लोगों जिन्होंने फ़ोन नंबर डाले थे, उनको मैंने जब फ़ोन किया तो बहुत विकराल स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मछली पालन चालू तो कर दिया है, लेकिन बिना कोई जानकारी के, जिसके कारण वो फंस चुके हैं कि अब क्या करें हम। जब मेरी वीडियो आगे आई, तब उन्होंने, उनको लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तब उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया है, तो मैंने फ़ोन किया। इससे मैंने देखा कि कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, अच्छी बात है कि और भी यूट्यूबर हैं जो मछली पालना सिखा रहे हैं, हम भी कुछ थोड़ा अपना योगदान दे रहे हैं जिससे वो सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखकर स्टार्ट कर दिए हैं मछली पालन, लेकिन ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, अब वो परेशान हो रहे हैं बहुत। कई लोग ऐसा है कि एक एकड़ में उन्होंने बहुत सारा जीरा डाल दिए हैं मांगूर का, तो उनको ग्रेडिंग में दिक्कत है, या फिर एक ही पॉन्ड है कईयों के पास, सिर्फ एक तालाब है उसमें ही जीरा डाल दिए हैं, और उन्हें लग रहा था कि उससे ही वो प्रोडक्शन ले लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मिसगाइड हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से। ज़्यादातर उनसे होते हैं जो बच्चे इसके जो जीरा बेचते हैं वो करते हैं, कि आप तो बस जीरा बेच दीजिए, जीरा ले लीजिए, बिल्कुल जीरा बेचने के लिए वो, कि बिल्कुल आप तो तालाब में डाल देना, वो तो 2-4 महीने में बढ़िया इतना बड़ा बड़ा आधा किलो 1 किलो का हो जाएगा, और ऐसा करके वो पैसा कमा लेते हैं। और लेकिन वो बेचारा जो जिसने शुरू किया है पहली बार, वो किस तरीके से उसने पैसा कमाया होगा ये वो ही जानता है, कितनी मेहनत करके उसने इधर उधर से जुगाड़ करके वो पैसा लाया, और उसके बाद वो खरीदा, बीज खरीदा, और एक तालाब बनवाया या किराए पे ज़मीन लिया, और उसके बाद डालने के बाद उसके हाथ में सिर्फ 5-10 मछली आएगी मांगुर की, और कुछ नहीं। तो ये बहुत गलत चीज़ है।
मेरा उनसे अनुरोध है कि आप अगर सीड भी बेच रहे हैं तो सही जानकारी दीजिए। सही जानकारी ऐसी दीजिए ताकि वो एक ही बार में, अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आपका सीड तो सिर्फ एक ही बार खरीद के वो खत्म हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आप सही जानकारी देंगे तो वो सफल होगा और साथ ही साथ वो लाइफ टाइम आपसे बीज लेगा, सीड लेगा, तो आपकी लाइफ टाइम कमाई होगी। तो कृपया उन्हें अच्छे से गाइड कीजिए। केवल जीरा बेचने के लिए केवल उनको ये ना बोलिए कि हाँ हाँ करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, आप तो बस 1 लाख रुपए लगा दो, 50,000 रुपए लगा दो, तो ऐसा मत कीजिए। हालांकि मुझे सवालों के जवाब देने थे, सवाल बताने थे, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी थी बताना सभी को, जो नए हैं और जो इस फील्ड में आ चुके हैं उनके लिए भी, कि कृपया पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद जो भी स्पीसीज, जो भी प्रजाति की मछली आप पालना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसमें उतरिए। उतरने के बाद जानकारी नहीं लीजिए। हम पानी में कूदने के बाद तैरना नहीं सीखते हैं, पहले हम छोटा सा किनार पे अपनी सेफ्टी के साथ तैरना पहले सीखते हैं, उसके बाद समुद्र में या नदी में या जहाँ पे भी गहरे पानी में तैरना जाते हैं। एकदम से गहरे पानी मत जाइए, पहले सीखिए अच्छे से। तो चलिए सवाल के जवाब चालू करते हैं। पहला सवाल है, श्रवण कुमार जी का है, क्या पॉन्ड में झींगा पालन किया जा सकता है? तो श्रवण कुमार जी, झींगा पालन जो है उसमें मेरा अनुभव अभी बिल्कुल शून्य है, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से मछली में ही हमें सर्वाइव करना पड़ता, कम पानी में ही हम पालते हैं, जिसके कारण हमने तिरपाल का सहारा कई समय पहले ले चुका था, तिरपाल में मछली पालन किया करते थे। तो झींगा पालन, लेकिन मेरा नेक्स्ट स्टेप है झींगा पालन जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि मछली से ज़्यादा प्रॉफिट झींगे में है। तो बहुत जल्द मैं झींगा पालन की पूरी डिटेल लूँगा, मेरे खुद के लिए भी, मैं खुद भी फार्मिंग करूँगा झींगा की, और जैसे ही मैं सारी जानकारी लूँगा और फिर यहाँ पर मैं शेयर करूँगा सबके साथ। कहीं मुझे विदेश नहीं जाना पड़ेगा झींगा फार्मिंग के लिए, हमारे इंडिया में ही झींगा पालन बहुत अच्छे से होता है, साउथ में होता है, बायोफ्लॉक के जरिए भी होता है, बहुत अच्छे तरीके हैं। तो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट स्टेप जब लूँगा, जब मैं अपने व्यक्तिगत, मेरा खुद का बिजनेस और व्यक्तिगत काम से फुर्सत हो जाऊँगा, उसके बाद मैं झींगा पालन की विषय में पूरी जानकारी लूँगा और आप सभी को बताऊँगा। तो जब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, अभी वैसे भी सर्दी है तो मार्च तक तो सभी लोग वेट कीजिए, सिर्फ जानकारी कलेक्ट कीजिए। सुबोध कुमार जी हैं, 100 ग्राम के 5,000 मांगुर को कितना चिकन वेस्ट खिलाना चाहिए? तो सुबोध कुमार जी, एक्चुअली में जो मांगुर होता है, ये हाइब्रिड मांगुर की बात कर रहे हैं, तो 100 ग्राम का मांगुर में आपको ऐसा नहीं है कि, वैसे तो देखिए जब हम छोटा बच्चा जीरा लाते हैं तो उसको 15% उसके वजन के अनुसार दिया जाता है, और फिर धीरे 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 उसको 12%, 10%, 8%, 5% और 3% तक लाया जाता है, 3% से उसको नीचे नहीं लाया जाता है उसके बॉडी वेट के अनुसार। तो उसको हमेशा तोलना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता, और उसके बाद उसका बॉडी वेट जितना है उसके हिसाब से हमें उतना परसेंट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए 5% देना है, अब हमारे पास है 100 किलो पूरा माल, तो 5% उसका हुआ 5 किलो, तो हमने डाल दिए 5 किलो, तो एक ही बार में नहीं, उसको सुबह और शाम थोड़ा डिवाइड करके डालिए, तो दो टाइम में हमने ढाई ढाई किलो करके 5 किलो डाल दिए। अब मेजरमेंट के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं, विज्ञान के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं कि भाई हाँ 5% डालना चाहिए, लेकिन वहाँ देखना भी पड़ेगा पॉन्ड में कि हमने जो फेंका है, जो खिलाया है, वो खा भी रहा है या नहीं, कुछ कारण से वो नहीं भी खाते हैं कभी कभी। तो हमें परसेंट तो देखना ही देखना रहता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि भाई वो खा कितना रहा है। पहले आप थोड़ा सा डालिए, वो पूरा खा ले तो थोड़ा और डालिए, फिर थोड़ा और डालिए, ऐसे करके जब वो पूरा ख़त्म कर दे तब जाके आप, और आपका जो 5% है
5% जो हिसाब है कि भाई 5% हमें डालना है, तब आपने डाला और उसने खा गया पूरा, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं डालना है। लेकिन हाँ, उससे पहले पता चला कि 5% का हिसाब है, लेकिन वो 1 ही% खा रहा है, 2 ही% खा रहा है, तो भी हमें 3% एक्स्ट्रा फेंकना नहीं है तालाब में, नहीं तो अमोनिया गैस बनेगी, तालाब खराब होगा। तो हमें फील्ड पे ये चीज़ का ध्यान रखना है। मेजरमेंट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा माल कितना खा रहा है वो ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हमें 100 किलो माल को खिलाना है तो हमने 100 किलो पटक दिए, वो खाए चाहे नहीं खाए, वो ये भी देखना है कि वो खा रहा है कि नहीं। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि 5,000 मांगूर है आपके पास, लेकिन हो सकता है कि अंदर 3,000 हो, आप 5,000 के हिसाब से उसको खिला रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो तो अमोनिया गैस बनाएगा, और ज़्यादा वो 3,000 जो बचे हैं वो और कम होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये फील्ड पे ध्यान दीजिएगा। वैसे जो 100 ग्राम का मांगुर हो गया है आपका, तो इसमें आपको तकरीबन तकरीबन 7% आपको खिलाना बॉडी वेट के अनुसार। तीसरा सवाल है, विनीत कुमार जी हैं, यूवी पॉलीशीट कहाँ मिलेगी, प्राइस क्या रहेगा 10,000 लीटर टैंक का। ये काफ़ी परेशान हो रहे थे, विनीत कुमार सिंह जी हैं। विनीत कुमार सिंह जी, यूवी पॉलीशीट जो है, जो शायद आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये सीट जो शीट लगाई है वो कौन सी है, और मैंने आपको यूवी पॉलीशीट बताया था, मैंने अपने अनुसार लगाया है वो यूवी पॉलीशीट। आप बिल्कुल उसी तरीके से ना चलिए कि बिल्कुल यूवी पॉली शीट ही जहाँ मिलेगी वही लेंगे, आप दूसरी चीज़ भी लगा सकते हैं, दूसरी शीट भी लगा सकते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो टैंक की रॉड है और जो हमारी पानी रोकने वाली तिरपाल है उसके बीच में ये शीट लगती है, क्योंकि तिरपाल को रोक के रखती है, ये रॉड से संपर्क में दूर रखती है, ताकि तिरपाल रॉड के संपर्क में आके फटे ना, सिर्फ इसलिए लगाई जाती है। और जगह जगह से जो फुग्गा फूलता है, पानी का प्रेशर जब आता है जहाँ गैप होता है उससे निकलता है, तो उसको रोकने के लिए ये शीट लगती है। तो ये मैंने अपने अनुसार किया था, कहीं कोई किसी ने कुछ नहीं बताया कुछ नहीं, वो तो अपनी क्रिएटिविटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूवी पॉली शीट मैंने इसलिए लगा दिया, यूवी इसलिए लगा दिया क्योंकि धूप में रहती है तो धूप से भी बच जाएगी। अगर केवल मैं प्लेन प्लास्टिक की शीट या कुछ ऐसे पॉली शीट लगा देता तो हो सकता है कि वो धूप में चिटक जाती, लेकिन मैंने अपने हिसाब से लगा दिया, आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। वैसे जो आप नीचे मैट जो बिछाते हैं, हम फर्श पे मैट बिछाते हैं रबड़ की, वो थोड़ी मोटी रबड़ आती है, आप जाइएगा तो 1 mm और 1.5 mm की भी मोटी मैट आती है, और वो इससे ज़्यादा सही रहेगी। आप उसको 3 फिट की बिल्कुल चौड़ाई काटिए और चारों तरफ लगा दीजिए, वो रबड़ की भी रहती है, तो आपको और अच्छा रहेगा, वो फटे मतलब चिटकेगी नहीं, वो सिर्फ जहाँ पर आप बांधोगे तो फट सकती है लेकिन चिटकेगी नहीं, और वो भी रबड़ है, काफ़ी मजबूत होती है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसलिए आप केवल यूवी पॉली शीट के पीछे ना पड़िए, आप अपने हिसाब से आप, और ये कहाँ मिलेगी तो ये आपके मार्केट में मिल जाएगी, मैंने आपको मैट बता दिया, जो फर्श पे मैट बिछाते हैं वो लगा सकते हैं। कहीं ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आपको यही लगाना है, और अगर आपने नहीं लगाए तो आपका कुछ होगा नहीं, पलेगा नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं भी कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है, हाँ थोड़ी बहुत विज्ञान जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि आपको आम खाना है तो आपने धतूरा ही खा लिया, इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें अगर घुसेंगे ना हम तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी मैंने जो लगा के रखा हुआ है, मैंने शीट भी लगा के रखी हुई है, वो भी बहुत सस्ती है, 1 रुपये 80 पैसे पर स्क्वायर फिट है, और ये जो पॉली शीट है 14 रुपये स्क्वायर फिट मिली है, लेकिन फिश को कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे लगता है, मेरे ख्याल से आज 10 दिन हो गया है मुझे फिश के टैंक में डाले हुए, एक भी मेरी फिश नहीं मरी है, ना ही कुछ अभी मैंने कोई, वो बायोफ्लॉक टैंक नहीं है ना, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि वो बायोफ्लॉक, एक्चुअली वो टैंक है, तारपोलिन का टैंक है, उसमें बायोफ्लॉक लिक्विड जो प्रोबायोटिक है वो डालेंगे, इरिएशन लगाएंगे, तब वो बायोफ्लॉक टैंक बन जाएगा। अभी तो केवल टैंक है, बायोफ्लॉक टैंक समझ सकते हैं, टैंक है वो तारपोलिन का, उसमें बायोफ्लॉक डाल देंगे तो बायोफ्लॉक टैंक बन जाएगा। तो अभी कोई
ना ही मैंने कुछ उसमें ऑक्सीजन दिया है और ना ही कुछ, वैसे भी मांगुर को उतना ज़्यादा वो नहीं होता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए और अपने तरीके से आप बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल ही लगाना है। काफ़ी लोग परेशान हैं कि इंडिया में राउंड तारपुलिन कहाँ मिलेगी, तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेरी जो क्रिएटिविटी, मैं खुद जो करता रहता हूँ अपने काम में, अनुभव में, तो मैं अब ऐसा करने वाला हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि राउंड फिर टैंक ना बनाए जाएं, क्योंकि मैं और 15 टैंक और बना रहा हूँ, तो राउंड लेकिन वो वेल्ड वाले बना रहा हूँ। अभी जो थे वो थोड़े से लो कॉस्ट थे, थोड़े से अब मैं हाई, थोड़े से 2,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, 5 की जगह शायद 7,000 के आसपास होगा। वो जब बन जाएगा तब पता चलेगा। वो एकदम फिनिशिंग के साथ बनेंगे, पूरे वेल्ड के साथ, और वो 8 mm के बनेंगे, थोड़े और मोटे बनेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे स्क्वेयर में बनाना चाहिए, ताकि स्क्वेयर में जो हमारे पास तिरपाल अभी अवेलेबल है इंडिया में, जो आसानी से मिल जा रही है, उसको हम बिछा के अपना पालन कर सकते हैं। कहीं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है कि राउंड ही गोल ही हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार गोल बनते हैं, जिसमें कि राउंड गोल घूम जाता है पानी, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप स्क्वायर में बनाएंगे ना, तब भी आपका काम चलेगा। बायोफ्लॉक में एरिएशन डालेंगे या लिक्विड डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो गोल तिरपाल के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, आप चपटी तिरपाल को भी लगाइए और कोना जो रहेगा कोने से चिपका दीजिए। एक मशीन आती है, अगर वो भी नहीं चिपकाए तो बहुत ज़्यादा सिकुड़न नहीं रहेगी, सिर्फ 4 कोने में ही सिकुड़न रहेगी। उसको आप अच्छे से अपने हिसाब से थोड़ी दबा दीजिएगा, और वो 4 कोनों में अगर इरेशन अच्छे से डालेंगे तो वो सिकुड़न से कहीं उसमें कुछ वो नहीं है, गंदगी नहीं चिपकेगी, वो हट जाएगी, बाकी जगह तो प्लेन रहेगी ना। ये जानू डांगी जी हैं, सर जी कैटफिश पॉलीथीन या तिरपाल में सक्सेस है कि नहीं? देखिए, पॉलीथीन में सक्सेस नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है वो पतली होती है और तिरपाल मोटी होती है, तो पॉलीथीन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते उसे, लेकिन तिरपाल में बिल्कुल सक्सेसफुल है। हम आज कोई 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना से तिरपाल में फार्मिंग नहीं कर रहे हैं हम। हमें तकरीबन, हमने 2 साल 3 साल पहले भी फार्मिंग कर चुके हैं तिरपाल पे, तो तिरपाल में हम काफ़ी समय से फार्मिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सक्सेस है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है। और तिरपाल में तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लेकिन हाँ, सावधानी बस चूहे की रहती है, चूहे से थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए तिरपाल में। तो और ऐसा रहता है कि भाई आपको गंदगी जो निकालनी है, तो आप एक नीचे, सबसे नीचे एक पाइपलाइन बिछा सकते हैं, ये पीवीसी पाइप होता है छोटे छोटे, उनकी पाइपलाइन बिछा दीजिए चारों तरफ, उसमें छेद करके, और एक जो बाहर मोटर लगी रहती है, और उससे पूरा पानी खींचने के लिए, निकालने के लिए लगा दीजिए। वो अगर अर्थ पॉन्ड में पॉलीथीन बिछाते हैं, ये अपना सॉरी तारपोलिन बिछाते हैं, तो मोटर पूरी तारपोलिन से नीचे की जो गंदगी है वो खींच लेगी, और उसको हम दूसरी जगह चाहो तो फिल्टर करके वापस ले सकते हैं, या दूसरी जगह जहाँ पे गिरा रहे हैं हम पानी, वहाँ पे 3-4 छन्नियाँ लगा के और देसी तरीके से उसको थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं, और दूसरे काम में ले सकते हैं हम पानी वापस, उसमें दवाई और चूना डाल के उसको क्लियर करके। तो तारपोलिन में तो और ज़्यादा थोड़ी सुविधाएं रहती हैं, और कैटफिश में तो और ज़्यादा है, क्योंकि कैटफिश जमीन में तो जमीन के अंदर घुस जाती जब निकालना पड़ता है उसे। ये जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब पानी खाली करो तो कम से कम 1-1.5 फीट कीचड़ रहती है, और कैटफिश मांगुर जो है उसी में घुस जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ कैटफिश जो है मांगुर को ही बोलते हैं। एक सज्जन की कमेंट भी थी, वो मैंने देखा था, वो बोल रहे थे कि इनके मुताबिक कैटफिश सिर्फ हाइब्रिड मांगुर कहलाता है। तो भैया, कैटफिश हमारे यहाँ मांगुर ही को बोलते हैं, और जो पंगासियस को बोलते हैं, पंगासियस और पंकज मछली ही बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते हैं। तो कैटफिश हमारे यहाँ तो भाई मांगुर को बोलते हैं, इसीलिए हम भी बोलते हैं। अब अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य की बातें होती हैं, सब जगह अलग अलग बोला जाता है, तो इसमें हमें कुछ खुद अपने विवेक से सोचना चाहिए। बाकी इस तरीके की जो, ठीक है, अपना अपना विचार है।
नेक्स्ट सवाल है, बायोफ्लॉक में फिश नर्सरी कर सकते हैं क्या? ये हैं शानू कुरैशी जी। शानू कुरैशी जी, बायोफ्लॉक में हम फिश नर्सरी कर सकते हैं क्या? इसका जवाब मैं फिलहाल तो अभी, क्योंकि फिश नर्सरी अभी तक किसी ने किया नहीं है और मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। वैसे पॉसिबल तो होना चाहिए, लेकिन जो जब मछली का अंडा रहता है, अंडे से जब वो स्पॉन निकलता है, स्पॉन के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1 से 2 इंच का, 1 से 1.5 इंच का, उसके बाद मेरे हिसाब से उसको अगर बायोफ्लॉक में रखा जाए तो वो सही रहेगा। अंडे के साथ अगर रखा जाए तो वो, मेरा अनुभव तो अभी इसमें तो नहीं है, नर्सरी में, तो इसीलिए मैं जरा उसमें आपको करेक्ट आंसर नहीं बता सकता। ये टेस्टिंग होगी, और इंडिया में वैसे ही बायोफ्लॉक में मछली पालन जो है वो अभी जरा जो शुरू तो अभी पकड़ा है, अभी तो देखना है आगे क्या क्या होता है, उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, किस जगह पे अच्छा रहता है, किस जगह पे टेम्परेचर कोई कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बड़ी जो बायोफ्लॉक में बात है वो टेम्परेचर मेंटेन करने की आएगी, वहीं सबका वीक पॉइंट आएगा टेम्परेचर को लेके, और खासकर सर्दी के समय का टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी में तो हम छाया दे सकते हैं ऊपर और नया पानी भर के या फव्वारा करके हम उसको ठंडा कर सकते हैं पानी को, लेकिन अगर सर्दी का समय है तो उस समय के लिए हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तगड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, और ये नए के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पुराने के लिए भी मुश्किल, क्योंकि उसमें बिजली की खपत काफ़ी लगेगी। अगर पानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो बिजली का यूज़ काफ़ी होगा उसमें, तो देखते हैं क्या क्या होता है। मेरे हिसाब से तो टेम्परेचर को लेके ही ज़्यादा बड़े इशू रहेंगे बायोफ्लॉक में, बाकी प्रोबायोटिक और ये सब चीज़ें तो ठीक है, कम ज़्यादा थोड़े बहुत होता है तो वो बन जाएगा, इरेशन भी हो जाएगा, आगे पीछे आदमी सीख जाएगा, उससे मछली को दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्लॉक कम ज़्यादा भी होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, बाकी टेम्परेचर को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे जो भारत है, भारत के हर राज्य में अलग अलग टेम्परेचर है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं नॉर्मल है, कहीं बिल्कुल कम है, तो कहीं बहुत दिक्कत करने वाला आ जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। मांगूर का चारा पीसने वाली मशीन का नाम बता क्या है? अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो सवाल नहीं था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन ये सवाल कम से कम बहुत सारे आए हैं कि जो मांगूर का चारा जो चिकन वेस्ट पीसती है उसका क्या नाम है। तो भाई वो जो मशीन है उसका नाम है 64K, 64K, वो इसी नाम से आती है, उसका तो वही है, ग्राइंडर है, 64K ग्राइंडर, वो मीट ग्राइंडर के नाम से ही आता है, ऑनलाइन भी मिलता है, आप इंडिया मार्ट पे देख सकते हैं, और वैसे हमारे भोपाल में तो बहुत सारे मैकेनिक भी ऐसे हैं, वेल्डर भी ऐसे हैं कि जो वो 64K है उससे बड़ा उसका डबल बना देते हैं, 128K, तो उसके डबल मतलब कि उससे साइज इतना ज़्यादा रहता है, वो हमारी कैपेसिटी के अनुसार कि हमें कितना जो वेस्ट है, चिकन वेस्ट कितना पीसना है, उसमें ग्राइंड कितना करना है, उस हिसाब से वो बनता है। अगर हमारी ज़रूरत थोड़ी सी है, 30, 40, 50 किलो की है, तो 64K के नीचे भी एक छोटी सी आती है, उसको 32K बोला जाता है, 32K ग्राइंडर, उसमें थोड़ा सा माल पीस सकते हो आप, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो फिर 64K, मतलब जस्ट डबल हो जाती है उनकी संख्या, 64K हो जाता है और फिर हो जाता है 128K, ये उसका नाम है। ये विक्की राज जी का है अगला सवाल, 1 एकड़ में कितना मांगूर रख सकते हैं? ये सवाल जो है, मांगूर के लिए कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने 1 एकड़ में मांगूर डाल दिया है, तो मेरा दोस्त लोग आपसे विनम्र निवेदन है कि जो मांगूर जो प्रजाति मछली है इसे आप बड़े
तालाब में मत डालिए, उसको आप छोटे तालाब में डालिए, उसको छोटे छोटे करके डालिए। पॉन्ड इकट्ठा एक में डालने पे केवल आपको नुकसान बहुत होगा, आप मत करिए बड़े तालाबों में। आप बड़े तालाबों के लिए केवल जो ये IMC मछलियाँ होती हैं, कार्प होती हैं, और चीतल हो गई, स्नेक हेड मुरेल भी हो गई। खैर स्नेक हेड मुरेल तो खैर छोटे में बड़े में हो जाती, तो ये मछलियों को आप पालिए बड़े तालाब में। लेकिन ये जो फॉर्मिंग वाली मछलियाँ हैं, ये पंगासियस हो गई, तिलापिया भी है, और मांगुर है, सिंगी है, इन्हें आप थोड़े छोटे तालाबों में पालिए ताकि आप हार्वेस्ट आसानी से कर सकें। नहीं तो इन्हें बड़ी समस्या होगी, क्योंकि ये ज़मीन में नीचे चले जाती है ना, तो पकड़ने में भी दिक्कत होगी, पानी भी मेंटेन करने में समस्या होगी, और बार बार। और मांगुर जो है उसमें ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी होती है, सबसे जो जिसने ग्रेडिंग कर लिया उसने समझ लीजिए जीत लिया, जंग जीत गया, वो इस बिजनेस में सक्सेस हो गया, अंगूर की फार्मिंग में, जिसने ग्रेडिंग पे जीत हासिल कर ली। और बड़े तालाब में बहुत मुश्किल होता है, ये समझ लीजिए 99% इम्पॉसिबल होता है ठीक तरीके से ग्रेडिंग। आप जो 10,000 स्क्वायर फीट तक का, बहुत बड़ा तालाब है तो 10,000 स्क्वायर फीट तक का बना सकते हैं, उसमें आप सीट डालिए, और उससे फिर आप ग्रेडिंग करके फिर 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, बहुत बड़े होते हैं 4 हज़ार तक के, ऐसे में आप डिवाइड करके जो ग्रेडिंग किया हुआ माल है उनको अलग 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 डालिए। इससे आपको गिनती भी रहेगी कि हमने भाई 10,000 इसमें डाला है, 10,000 उसमें डाला, 10,000, तो ऐसे करके गिनती आपको रहेगी जब आप छांटोगे। तो पैसा कितना आने वाला है आपको ये भी पता रहेगा, क्योंकि आप छांटा हुआ माल जब रहता है वो कम उसमें नुकसान कम होता है, लेकिन हाँ जो छटा हुआ नहीं रहता उसमें नुकसान की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे 1 एकड़ में कितना मांगुर रख सकते हैं, इनका जो सवाल था, तो आप 1,000 जमीनी पौंड में, अर्थ पौंड में, 1,000 अर्थ पौंड में आप 3,000 जो मांगुर है, जो हाइब्रिड मांगुर है, उसे आप रख सकते हो। ये उसका पैमाना है, मेरे अनुभव के अनुसार 1,000 स्क्वायर फिट में आप 3,000 बहुत अच्छे से पाल सकते हो, छांट के डाल दीजिए आप 3,000, बहुत अच्छे से रह जाएंगे। और अगर 1 एकड़ में करना है तो छोटे छोटे पॉन्ड बना के आप तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख सीट रख सकते हैं। सहजान जी हैं, 1,000 लीटर का टैंक रेडीमेड मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, 1,000, सॉरी ये शायद 1,000 नहीं 10,000 लीटर था, 10,000 लीटर का टैंक बिल्कुल मिल सकता है। मेरी तकरीबन 2 कंपनियों में मेरी बात हुई है, जो रेडीमेड पॉली जो शीट होती है उसका बनाती हैं टैंक, फिश टैंक बनाती, 5,000 लीटर, 10,000 लीटर, 15 और 1 लाख लीटर तक का टैंक उनके पास बना रेडीमेड होता है। मैंने उनसे रेट लिस्ट मंगाई है कि आप रेट लिस्ट दीजिए, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उन्हें बता सकूं कि कितने कितने रेट के रेडीमेड भी आते हैं। अगर वो रेडीमेड जो हैं तो फिर कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना शीट की, ना तिरपाल की, ना ही लोहे की, ना वेल्डिंग की, सारी चीज़ कंप्लीट आती है, उसको तो बस लगाना, खोलना है और पानी भर देना है, और फोल्ड करके वापस दूसरी जगह चला जाएगा वो। तो मैंने बोला तो है उन्हें, जैसे ही उनका रिस्पॉन्स आता है मैं आपके साथ तो वो शेयर करूँगा, टैंक का पूरा डायमीटर और कितना क्या रेट है। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन इजी रहता है वो ये सब बनाने के लिए। हालांकि वो जिनके पास जो सक्षम है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फालतू के जो ये सब रहते हैं धतकर्म, वो करने से अच्छा है कि वो सीधा की सीधा वो खरीद ले और अच्छे से बढ़िया उसमें फार्मिंग करें। तो ये थे सभी के सवालों के जवाब, लगभग सभी के तो नहीं, पर जो चुनिंदा सवाल थे जो मैंने छांटा था, हाँ कि इतनों के सवाल के जवाब देना चाहिए, तो जो ज़रूरी थे उनके मैंने निकाल के दे दिए। बाकी जो सवाल जो दोस्त लोग हैं
वो अगर ये सोच रहे होंगे उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो दोस्त भाइयों ऑलरेडी मैं पुराने वीडियो में दे चुका हूँ सवालों के जवाब जो जो आपने फिर से करे थे, तो आप प्लीज़ उन्हें चेक कर लीजिएगा। और दूसरी कई कमेंटों में भी मैंने सवालों के जवाब दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सबके पास फ़ोन नंबर भी थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो मैंने फ़ोन किया है। काफ़ी तकरीबन 70% लोगों को फ़ोन करके उनके जवाब दे चुका हूँ, 30% अभी भी रह गए हैं, तो उन्हें भी फ़ोन करूँगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देर से करूँगा लेकिन ज़रूर फ़ोन करूँगा आपको भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इसी तरीके की कुछ छोटी छोटी सी जानकारी अगर लेना है, तो जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कोई सवाल हो तो नीचे अपना सवाल लिख के, अपना नंबर लिख के, आप किस राज्य के हैं, किस शहर के हैं, और उसका नाम लिख के अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। और बाकी सब लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, और इसी तरीके की आशा भी थी और उसी तरीके से चल भी रहा है काम। बस थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ जिसके कारण लेट हो गया है मेरे वीडियो, बाकी जल्द ही मैं अपनी व्यस्तता को ख़त्म करके जल्द से जल्द अच्छी जानकारियाँ मैं लाऊँगा। और काफ़ी सीड की जानकारी भी लोग चाहते हैं कि सीड कहाँ से मिलता है, कितना बड़ा सीड कैसे डालना चाहिए, पूरी फुल प्रोसेस बड़ा होने तक की। तो मैंने उनकी कमेंट भी पढ़ ली, उनका सुझाव भी देख लिया है, बहुत अच्छा सुझाव है। तो मैं आगे आने वाले जब सीजन रहेगा तब मैं छोटा बच्चा से लेके बड़े तक का पूरा उसका जो रहता है पूरा सर्कल, वो सारे सर्कल पे क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।